अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने जा रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता, जिसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ एंड आई होप यू विल लाइक इट इफ़ यू विल मेक इट। सो हमने क्या किया, 2 टेबल स्पून मक्खन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने थोड़ा चिकन को भून लिया है। ओनली लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। देन मैंने उसमें जब चिकन थोड़ी ब्राउन हो गई, कह सकते हैं 3/4 डन हो गई, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने सॉटे कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। दूध जो है देखिए अंदाजे से डाला जाता है कि कितना पास्ता बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम लगे तो बाद में आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया है दूध। अब हम इसमें करेंगे कुछ मसाले ऐड विद क्रीम। यस, मैंने मिल्क पैक की क्रीम ले ली है इसमें, वो भी मैंने अपने हिसाब से डाली है। अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून मैंने डाले हैं, मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए मैंने उतना ही इसको उतनी क्रीम ऐड कर ली। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि हैं 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर हमने इसमें डाल दिया है, और लाजमी 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 हमने चिकन क्यूब ज़रूर डालने हैं अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं भी डालेंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये है हमारे पास मिक्स हर्ब्स, हमने इसमें ऐड कर दिए हैं मिक्स हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स भी कहते हैं इन्हें, एंड ऑरिगानो इज मस्ट इन अल्फ्रेडो पास्ता और वाइट सॉस पास्ता। एंड येस, ऑल टाइम माई फेवरेट मशरूम्स मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आपको अच्छे नहीं लगते आप ऐड नहीं करिएगा। मेरे पास येलो पेपर था तो मैंने येलो पेपर ऐड कर दिया, आप ग्रीन एंड रेड पेपर भी ऐड कर सकते हैं। एंड येस, ऑलिव अल्फ्रेडो पास्ता की जान होता है मेरे हिसाब से तो। ओके, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल लीजिए। उसके बाद मैंने ये वाला पास्ते की शेप ली है, आपको जो शेप अच्छी लगे आप उसमें ले सकते हैं। और ये मैंने बॉयल करके अलग से ठंडे पानी से उसको वॉश करके रख लिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। ओके, तो फिर मैंने इसमें जब ये सॉस रेडी हो गया मैंने इसमें मिला दिया है। एंड यस, मैंने गार्निश किया है कुछ चिली फ्लेक्स के साथ और हरी मिर्चों के साथ, बिकॉज मैं स्पाइसी पसंद करती हूँ।